चलो शुरू करते हैं 2 मिनट में। और आज पहले कल का जो सवाल था वो कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों ने जो सवाल किया था बहुत सारों का सही है, मगर एक परफेक्शन जिसे कहते हैं, हल्का फुल्का छोटी मोटी एरर है, इसलिए मैंने किसी को ये करेक्ट नहीं बोला। थोड़ी बहुत बहुत माइक्रो लेवल की एरर्स हैं, वो थोड़ी बहुत तुम लोग सही कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। वो वैसे भी एक साथ नहीं सही होगा, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सही होगा। तो वेक्टर का एरो प्रॉपरली सही दिखाना है, और मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखाओगे, उसकी प्रैक्टिस जो है वो तुम्हें करनी है। कल और कल से जो टेस्ट का प्रोग्राम भी शुरू है, और टेस्ट में मैंने एक अलग चीज़ दे रखी है कि टेस्ट में जैसे ये जितने भी टेस्ट हम लोग लेंगे ये रिहर्सल टेस्ट है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं किसके मार्क्स कितने आते हैं, रिजल्ट क्या होता है, तो मगर इसमें जो है प्रैक्टिस के लिए करता है। तो मैं उस तरह के जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। तो या तो जैसे सुबह की क्लास है उसमें या तो मैं DPP डिस्कशन करूँगा या मैं टेस्ट करूँगा। तो टेस्ट मतलब अब एक संडे को शायद मैथ का टेस्ट है, संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। मेरे टेस्ट अल्टरनेट डेज हो जाएंगे, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं DPP समझाऊंगा, एक दिन तुम्हारा टेस्ट लूंगा। क्योंकि अभी जो सीखा उस पर बहुत टेस्ट लेना जरूरी है, तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और टेस्ट हम लोग ये समझना मार्क्स के लिए नहीं, प्रमोट करने के लिए नहीं, लर्न करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं। तो कल के टेस्ट के लिए आई होप कोई खास तैयारी नहीं करनी है, जितनी प्रैक्टिस पूरी DPP ध्यान से देखी है तो तुमसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इजी लेवल से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन लूंगा। चलो अब मैं अपना थोबड़ा गायब करता हूँ, ये हो गया, क्वेश्चन शुरू करता हूँ। बहुत लोगों के मैंने सोल्यूशन देखे हैं तो ठीक है, बहुत लोगों के सही हैं, मगर एक परफेक्शन जिसे कहते हैं वो धीरे धीरे आएगा। चलो फिलहाल तो दो तरीके से कर सकते हो। ऐसे भी x एक्सिस और y एक्सिस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से x और y एक्सिस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सबको प्रॉपरली दिख रहा होगा, साउंड प्रॉपर होगा, स्ट्रीमिंग प्रॉपर होगी सब। तो एक बार कमेंट कर दो, स्ट्रीमिंग परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया, मस्त, एकदम सुंदर सा, कोई टेंशन नहीं। और x और y एक्सिस ऐसे लिया, ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस, ऐसे लिया। x और y एक्सिस फिलहाल जब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तुम किधर भी ले सकते हो, और डू इट वेरी प्रॉपरली। और ये चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, कैन यू सॉल्व इट बाय बोथ, हाँ दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। और एक चीज तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, 2 मिनट के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं 12th की भी क्लास ले रहा था, 12th की भी क्लास, 12th का मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेशन चल रहा है, मगर 12th के बच्चों को भी जो दिक्कत है वो उसी में रेजोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। मतलब जिसने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा वो 12th में तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये समझ लो कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ये आ गया तो सब आ गया, रेजोल्यूशन आ गया तो सब आ गया। तो मैं दोनों तरीके से करूंगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बस फोर्स दिखाना है। तो फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है और इसका वेट भी 30 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों को चाहो तो तुम एक साथ दिखा सकते हो। तो मैं बता लूं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी, काफी लोगों ने सही भी किया था, तो एक आध लेगा मुझे परफेक्ट भी लगा, मगर मैंने फिर कमेंट नहीं किया, मैंने कहा चलो बाद में तुम सही दे दोगे। तो सबका कभी कभी बिजी होता तो कमेंट नहीं कर पाता हूँ। खैर, तो कुछ लोगों ने सही भी किया था, कोई ऐसी डाउट, तो तुम लोग अपने आप देख लो क्या तुम्हारी कमी है। टोटल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा 50 न्यूटन और 30 न्यूटन, कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो फोर्स है वो ये इस तरफ हो जाएगा। अभी मैं कलर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया ज्यादा, तुम्हें समझ ही आ रहा होगा। F का हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना होगा। अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा 2 मिनट के लिए, पहले मैं पूरा सॉल्व कर लूँ, व्हाट्सएप खोलता हूँ, मगर अभी नहीं जा रहा 2 मिनट, पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ फिर देखता हूँ। मैंने देख लिया वैसे इसके सोल्यूशन सभी लोगों के देख लिया। तो ये हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है, कुछ प्रॉब्लम हो तो यहीं पर कमेंट कर दो,
तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, आई होप ये समझ में आया होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा यहां पे। आराम से मस्त तरीके से धीरे 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 लर्निंग धीरे धीरे होती है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कुछ ने कुछ बच्चों ने एरो इधर उधर किया है, ये किया है, तो सब एकदम छोड़ो सब ये यहाँ पे, खैर इसकी जरूरत तो नहीं है एन एन दिखाने की, मगर इससे आसानी रहती है। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो चाहे तो यहीं पे देख लो, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, या तो वर्टिकल के साथ देख लो या हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो, तो यहां पर मैं वर्टिकल लाइन एक बनाता हूं, है ना, ये ज्योमेट्रिकली बहुत सही रहता है, वर्टिकल लाइन बनाता हूं। लेट मी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, एक सेकंड, थोड़ी सी सुंदर सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो यहां पर एंगल तुम्हें या तो वर्टिकल से, ये वर्टिकल लाइन मिल गई, आई होप दिखाई दे रही होगी वर्टिकल लाइन। तो अगर ये 37 डिग्री है, पूरा ज्योमेट्री है, ध्यान से देखना, अगर ये 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, वो ज्योमेट्रिकली जैसा तुम्हें पसंद हो, फिलहाल तो मैं देख लो, सिंपल ज्योमेट्री है ये 53 डिग्री, ये 53 डिग्री होगा कल की तरह, और ये 37 डिग्री होगा, क्योंकि ये मेरा पेन देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर ये 53 डिग्री है, ये 37 डिग्री, हाँ एफ वहां पे क्यों दिखाया, कहां पे क्यों दिखाया, एफ ऐसे दिखाया ना, फ्री बॉडी में सबका टेल ऐसे ज्वाइन करते हैं, है ना, फ्री बॉडी में सबका एफ वहां पे क्यों दिखाया, इसका क्या मतलब हुआ, एफ यहां पे है तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा वो देखना है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का, इसको कहीं भी बना सकते हैं। एक्चुअली फ्री बॉडी में सबका टेल मिला देते हैं, जितने फोर्स है सबका टेल मिला देते हैं, ठीक है, ये 53 है, ये 37 है, अपोजिट एंगल क्या होगा, 37, ये वाला अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री होगा, आई होप ये दिख रहा है, और इसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। ये सवाल ही समझ नहीं आया, एफ वहां पे क्यों दिखाया, कहां पे दिखाऊं फिर मैं, है ना, एफ वहां पे क्यों दिखाया, यहां पे दिखाना है फ्री बॉडी में, एफ ऐसे है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री है, उसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल है ना, ये वर्टिकल से, वर्टिकल लाइन ये है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल से देख लो या वर्टिकल से 37 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगेगा, वर्टिकल से 37 डिग्री का एंगल, ये तो हो गया फ्री बॉडी पूरा हो गया, देख लो इसमें कोई डाउट हो। न्यूटन तो एक्सिस के अलावा नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ 50 प्लस 30, 30 इसका वेट होगा, वेट मैंने इसका नहीं दिखाया, 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, है ना, एफ को एक्सिस पे ही दिखाना है। एक बात समझ लो कि ये एंगल तो तुम्हें डायग्राम से ही देखना पड़ेगा, अलग से नहीं बता सकता, ये एंगल तो तुम्हें डायग्राम से ही देखना पड़ेगा, और इतना सुंदर सा डायग्राम है, तुम्हें अब क्या दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इतना प्यारा प्यारा तो डायग्राम है, ये 37 है, ये 53 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 37, ये अपोजिट एंगल है, थोड़ा तो दिमाग चला ले भाई, वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन का 37 डिग्री, इतना साफ तो दिख रहा है, बाकी लोग भी भाई इसको समझाओ कुछ ना, वर्टिकल से साफ साफ तो दिख रहा है, और कितना साफ दिखाऊं, वर्टिकल से एंगल 37 डिग्री, और ये तो यहां से ही डिसाइड करना पड़ेगा, अलग करके करूंगा तो समझ नहीं आएगा ना, अलग तो फ्री बॉडी में दिखाई दिया है, मगर अलग करके यहां से कैसे आया वो कैसे समझाऊंगा, सीधी सी बात है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा, अपना दिमाग लगा ले, यहां से ये देखो, ये ट्राइंगल इसी में बताना पड़ेगा, अगर बताऊंगा तो इसी में बताऊंगा, ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री होता है, ये 37 है, तो ये 90 माइनस 37 कितना होगा, 53 डिग्री, फिर लाल वाली लाइन और लाल और ऑरेंज वाली लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो ये 50 होगा, 53 होगा, ये 37 होगा, फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, नीली लाइन देखो, लाल लाइन, इतने रंग दिखाई दे रहे हैं, नीली लाइन ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और कितना साफ करूं,
अभी से ज्यादा साफ साफ तो लाल लाल ये परपेंडिकुलर है ना, लाल और नीला, आई होप समझ में आ गया होगा यार। ये ऑरेंज और नीले के बीच में देखो ये ट्राइंगल है, इसीलिए कहता हूँ छोटे क्लास में ज्योमेट्री ध्यान से पढ़ा करो, छोटे क्लास में मास्टरों ने पढ़ाया नहीं मेरे को दिक्कत आ रही है, ये सिंपल ये सब छोटे छोटे क्लासेस में होता है। ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये 37 है, ये 53 डिग्री। लाल वाली लाइन देखो और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री 37 डिग्री, ठीक है, ये अपोजिट एंगल साफ साफ दिख रहा है। तो लाल वाले का नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल 37 डिग्री है, हो गया बस, ठीक है नाउ। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा अच्छा। तो ये फ्री बॉडी तो इसी का है ना, ये फ्री बॉडी तो इसी का है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही है हॉरिजॉन्टल, यहां से देखो ये फ्री बॉडी तो इसी का है, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसमें वर्टिकल से एंगल देख लो ना, वही वर्टिकल तो हर जगह फिक्स होगा ना, नॉर्मल का इसीलिए तो वर्टिकल से दिखाया, तो यहां पर वर्टिकल ये है, वर्टिकल से 37 डिग्री। ऐसे ही एफ का देखा, क्योंकि यहां पे देखोगे फ्री बॉडी में तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से देखोगे ना, तो एफ का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 37 डिग्री, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल से दिखा दिया। यहां पे एन का एंगल वर्टिकल से कितना है 37 डिग्री, तो यहां पे वर्टिकल से दिखा दिया, ठीक है। तो ड्रॉ करते जाओ समझ में आ जाएगा। चलो इसमें फिर अब है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन भैया सीख लो, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों में इतनी दिक्कत आ रही है रिजोल्यूशन बताने में, 11th क्लास नहीं पढ़ने का मतलब पता है क्या होता है, 12th भी गया। तो अभी आज तो मैंने 12th क्लास के बच्चों को बोला भैया तुम 11th में एडमिशन लो, वरना तो 12th क्लास में 12th का कुछ भी नहीं है, 11th का ही लगता है, समझ आई बात, तुम्हें पता लगेगा क्या उनका। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि 11th क्लास में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वरना ये सब यही सब 12th में भी लगता है, 12th में 90% जो है उसके रिजोल्यूशन पे एकदम रिजोल्यूशन को एकदम ढंग से कमांड करो। तो रिजोल्यूशन के रिजोल्यूशन ही एफ कॉस 37 डिग्री, एफ साइन 37 डिग्री, आई होप 37 एफ कॉस 37 डिग्री एफ साइन 37, ठीक है। अब इसको यूज नहीं कर, एन का कंपोनेंट कर लो, ये हो जाएगा एन साइन 37 डिग्री। अभी वीक में 3 टेस्ट कर दिए तुम्हारे, हर वीक में 3 टेस्ट होंगे, टेस्ट लूंगा तभी तुम लोगों का उद्धार होने वाला है। n sin 37 डिग्री, और इसको इसी के ऊपर दिखा दो ना, ओवरलैप कर दो, ऐसे बाद में ओवरलैप भी कर दो चलेगा। तो यहां पे लिख दो f cos 37 f sin 37 डिग्री प्लस बाद में चलेगा है ना n sin 37 डिग्री, ये ऐसा चलेगा, मगर ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना वरना समझ नहीं आएगा। एन साइन 37 डिग्री, अच्छा इसको इधर करता हूं, ठीक है आई होप कि समझ में आया, एक सेकेंड वेट, कभी कभी एक सेकंड। तो चलो तो समझ आ गया, n cos 37 will become, will come sir, n n sin 37, अच्छा गलती से लिखा, सॉरी सॉरी, कभी कभी जो है गलती हो जाती है मेरे से, ये गलती मत करना वरना गया काम से, सारा काम यही पे करना, आगे का कोई खेल नहीं है, सारा फ्री बॉडी में है, n cos 37 हाँ, बस सारे रिजॉल्व कर लिए। अब बाकी कहानी तो पता है तुम्हें, बाकी का y सिग्मा f by 0 करो, बाकी तो कुछ भी नहीं, एक बार फ्री बॉडी बन गया टेंशन खत्म, एक बार तुमने किसी भी केस में फ्री बॉडी बना लिया टेंशन खत्म। तो क्या हो जाएगा, f sin 37 डिग्री, f sin 37 डिग्री, sin 37 की वैल्यू लिख दो, sin 37 क्या होता है 3/5 है ना, f into 3/5 प्लस n cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा n into 4/5, ठीक है,
एन इंटू फोर, बहुत आराम से मजे मजे से सीखो। ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट को बैलेंस करेगा 80 न्यूटन। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। थोड़ा सा इसको अगर इसका इक्वेशन को, अब इक्वेशन सॉल्व करना बचपन में सीखा होगा शायद, तो इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देता हूं। तुम प्रैक्टिस की चिंता मत करो, है ना, एक मिनट, 3f प्लस 4 9, ध्यान से सुनो मेरी बात को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तुम चिंता मत करो। एक क्वेश्चन भी अगर तुमने, प्रैक्टिस की बात मत करो, एक क्वेश्चन ले लो उसको पूरा दिन ढंग से करो, एक क्वेश्चन भी ढंग से आ गया तो वो यहां पे मैथ्स की तरह नहीं है कि 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आ गया, तुमने एक क्वेश्चन भी किया हो गया, एक क्वेश्चन ढंग से किया तो सब क्वेश्चन वैसे ही होंगे। तो यहां पे हजारों क्वेश्चन नहीं चाहिए, एक क्वेश्चन को प्रॉपरली करो। जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन सफिशियंट है, 1 क्वेश्चन इज सफिशियंट, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया तो सब आ गया, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही सब हो रहा है। तो ये पहली इक्वेशन है, मैथमेटिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। तो जो मैं देता जा रहा हूं उसको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस चिंता मत करो, अभी पिछले टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा तुम पागल हो जाओगे। उसी प्रैक्टिस करने का जबरदस्त प्लान बनाया है, हर अल्टरनेट डेज टेस्ट, अब हर टेस्ट, और एक घंटे का टेस्ट होगा, 10 से लेकर 15-20 क्वेश्चन जितने भी हैं, तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी, टेंशन मत लो। इतनी प्रैक्टिस होगी तो मास्टर बन जाओगे, कम से कम कुछ नहीं करोगे तो फिजिक्स पढ़ा लोगे, है ना, मेरे से पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देते लोग, पढ़ा लोगे, तो इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। खैर, वर्टिकली इतना वेट बैलेंस हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, एफ कॉस 37 इज इक्वल टू, है ना, एक भी सवाल तुमने सही कर लिया होगा प्रैक्टिस, एफ कॉस 37 4/5, देखते जाओ, एफ कॉस 37 एफ एक्स 0 4/5 एफ, और एन साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5, 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, अभी टाइम वाइम की चिंता मत करो, 4f 3n इज इक्वल टू 4f। अब तुम अगर टाइम बचाना चाहते हो तो मुझे f और n की वैल्यू बता दो, है ना, दो इक्वेशन है। अब इक्वेशन सॉल्व करना तुमने बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा पता नहीं, ये पीछे वाले मास्टर की गलती है, ठीक है। ये हो जाएगा 4f, नहीं नहीं बराबर क्यों कर रहा, 4f इज इक्वल टू 39, 4f इज इक्वल टू 3n। अब n और f की वैल्यू, हाँ 5 खा गया ना, 5 कैंसिल हो जाएगा ना, अच्छा यहां पे 5 खा गया, ओके सॉरी यहां पे नहीं खा, यहां तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैलकुलेशन मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। चलो आंसर बताओ, f और दो इक्वेशन है, अब अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो f और n की वैल्यू बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करो, दो इक्वेशन है, f और n की वैल्यू बताओ, देखे गणित में तुम कितने तेज हो, फटाफट f और n की वैल्यू बताओ, आ गई f और n की वैल्यू, एक मिनट अब व्हाट्सएप देख लेता हूं, f और n की वैल्यू बताओ, एक मिनट व्हाट्सएप ही खोला नहीं मैंने आज, महान आदमी हूं, ये क्या आया व्हाट्सएप में, क्या कह रहा है, 18-5 आ गया, हाँ कितना वैल्यू कितनी आ रही, f की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू कमेंट करके बताओ, एफ और एन की वैल्यू, तब तक मैं दूसरे मेथड की प्लानिंग करता हूं, एफ और एन की वैल्यू बताओ, एन 64 आ रहा है, एफ की वैल्यू भी। अब मैं तुम्हारी एक ही सवाल को दूसरे मेथड से करता हूं, ठीक है, दूसरे मेथड से करता हूं, पहले देखो पूरा क्लियर करके क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है, हाँ चलेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये इतना काफी है, है ना, बाकी तो हमें याद है ना चीजें, हाँ सही है, इतना सफिशियंट है। अब मैं क्या एक्सेस बदल देता हूं, ठीक है एक्सेस बदल देता हूं, अभी तो तुम पुराने टॉपिक की प्रैक्टिस करो, अभी इसमें बेसिक्स बहुत बताने तुम्हें, इस पे तुम्हें बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके प्रैक्टिस देने वाला हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मगर अभी जो एक आध सवाल देता हूं उसी को प्रैक्टिस कर लो, जल्दी आएंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, मगर अभी पुराने टॉपिक पे ढंग से कमेंट कर लो। एक्सेस की डायरेक्शन चेंज करता हूं, ये चैप्टर तो पूरा फिजिक्स का बैकबोन है, ठीक है चलो आई होप समझ आएगा। एक्स एक्सिस इसको तुम्हारी सुविधा के लिए काम करता हूं ना, ये थोड़ा ऐसे ले लेता हूं, ये क्या
एक सेकंड रुक जाओ हर्ष, अब आ गया ब्रो, वेरी गुड। तुम इसके ग्रुप में क्यों कमेंट करो आ गया तो? धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन लेने का बात नहीं, जो करेगा वो आएगा। हाँ, जो बैठा रहेगा खाली देखता रहेगा, विजुअली देखता रहेगा तो नहीं आएगा, तुम्हें अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ना, तुम्हें खुद भी करो, तुम खुद करो, मेरे भरोसे मत रहो, खुद करो यार। एक्सेस में और आ जाएगा, ये आ गई फिजिक्स, आ गई समझ लो, बन गए तुम मास्टर। ये मैं कुछ ऐसे ही करूं इधर, ये थोड़ा समझाने के लिए एक्स और वाई एक्सेस ऐसे ले लूं, इसके ऊपर ले लूं। एक्स और वाई एक्सेस, एक सेकंड, क्या इसके ऊपर ही फ्री बॉडी बना के दिखाऊं? फ्री बॉडी वैसे अलग से बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो सही है, मगर इसके ऊपर फ्री बॉडी बना सकते हो, मगर नहीं नहीं अलग ही बनाने की प्रैक्टिस करो भाई, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर तुम्हें उसकी हैबिट पड़ जाएगी, मगर अलग से एक्सेस लेता हूँ। चलो ये एक्सेस था, ठीक है, यहीं पे नीचे बनाता हूँ, तो तब तक तुम सॉल्व करो दूसरे मेथड से, सॉल्व करो, तब तक मैं नौटंकी करता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। यहां पे थोड़ा दिखा देता हूं, चलो इसको टेढ़ा करके, अरे भाई, अरे भाई यहां, एक सेकंड, अरे भाई रोटेट हो जा, नहीं रोटेट ही नहीं हो रहा, दूसरा बनाना पड़ेगा क्या? अब तो मैं रोटेट करके ही रहूंगा, एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया रोटेट करना है तो रोटेट करके रहूंगा। चलो ये हो गया, इसको यहां तक ले आता हूं, चलो अब थोड़ा फीलिंग आएगी। ऐसा कुछ नाटक नौटंकी करते रहो इसमें, आई होप थोड़ा सा। चलो अब शुरू करता हूं, है ना। चलो फिर से देखो, यहां पे फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड था, वेट और वो इसका फ्री बॉडी में अलग से बनाता, फिर भी ये इसका फ्री बॉडी, तो मैं अलग से आना ही चाहिए बनाना, क्योंकि इसके ऊपर कब तक बनाओगे? इसको पॉइंट से दिखा दिया, इसका वेट और 80 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा था पहले की तरह। अभी एक्स एक्सिस मैंने ऐसे लिया और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, और 80 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, एफ और उसका कॉम्बिनेशन, और एफ हॉरिजेंटल था, एफ हॉरिजेंटल था, ठीक है, एफ की वैल्यू नहीं पता थी ना, एफ हॉरिजेंटल था, एफ की वैल्यू नहीं पता थी। देखो बेसिक फ्री बॉडी तो वैसे ही रहेगा, बस एक्सिस चेंज कर दें। नॉर्मल रिएक्शन एज यूजुअल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, थोड़ी फीलिंग लाने के लिए मैंने मेहनत की है, तुम भी ऐसे ही दिख रहा है ना। ओरिजिनल डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, आई थिंक बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बना देता हूं। एन ऐसे सरफेस प्रेस करेगा और इसमें इसमें क्या होगा, एक आना शुरू होगा फिर सारे ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सब में बेसिक कंसेप्ट तो वही है, ठीक है। ये हो गया, ओके, एफ इज इंक्लाइन, सर एफ इज इंक्लाइन था, एफ इंक्लाइन था, ऐसे हॉरिजेंटल नहीं था, एफ कैसे था इन, अच्छा ऐसे था क्या यार, मुझे भूलने की इतनी गंदी आदत हो गई, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूं, एक मिनट, याद ही नहीं है एफ कैसे था, एफ ऐसे था क्या, एफ ऐसे था, हाँ अलोंग एक्स एक्सिस था, हाँ चलो ठीक है, एफ ऐसे था। अब ये तो अच्छा, अब इसमें देख लो, अब दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा होगा ये तुम डिसाइड कर लो। अगर एफ ऐसे था तो ये मेथड ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कम रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कम रिजॉल्व करना पड़ेगा, एंगल यहां से फिर सेट कर लो,
एंगल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा था, तो एंगल यहां से ये 37 डिग्री था, ये 53 डिग्री था, ठीक है, ये 37 था, तो 80 का इस लाइन के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 80 का इस लाइन के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब देखो ये मेथड ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें एक ही फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। आसान और कठिन क्या होगा, एक को रिजॉल्व करो, दो को रिजॉल्व करो, कोई भी मेथड ले लो आंसर वही आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो सिर्फ एक को रिजॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 80 cos 37। तो ये आसान है। अच्छा ये देखना थोड़ा सा, ये कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, मैं परफेक्शन नहीं कहता, मैं कहता हूं परफेक्ट नहीं है सिर्फ इसलिए, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं ना, जैसे छोटी सी गलती कर देते हैं, इसका जो रेजोल्यूशन का एरो आगे तक ले जाते हैं। आगे तक क्यों ले जा रहे हो, यहां तक ले जाओ ना, ताकि फीलिंग तो आए कि इसको रिजोल्व किया परपेंडिकुलर। एक्चुअल में दिखा नहीं रहे हो, फिर भी यहां तक तो ले जाओ, और ये रेजोल्यूशन का एरो यहां तक ले जाओ, आगे पीछे मत ले जाओ, यहां तक। ये ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते ना, बेसिक ऐसे दिमाग में लगा लो, बार बार डायग्राम को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें ये तो पता हो, दिमाग में चलना तो चाहिए कैसे निकाला है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां से। अब मैं बार बार ऐसे करूंगा तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, मगर वो फीलिंग में तो वैसा होना चाहिए। तो मैंने इसको रिजोल्व कर लिया, ये पूरा खेल रेजोल्यूशन का है। तो ये हो गया 80 cos 37, आई होप 80 cos 37, और ये हो गया 80 sin 37। धीरे धीरे एक सवाल को आराम से, एक भी आ गया तो सब आ जाएंगे, क्योंकि सब में जो है एक ही चीज है फिजिक्स में, एक सवाल आ गया सारे आ गए, ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह वही बेसिक नियम लगाने, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए फिजिक्स बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। बस हो गया काम, तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करो, तो ये मेथड आसान पड़ेगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करो, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 80 cos 37, एन इज इक्वल टू 80 cos 37, cos 37 होता है 4/5, 80 cos 37 4/5। जरा चेक करो आंसर, चेक करो एन की वैल्यू, तुम्हें ही छोड़ देता हूं, चेक करो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करो, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 80 sin 37। और चेक द आंसर, क्योंकि पहले भी मैंने आंसर नहीं निकाला था, साइन 37 3/5 होता है, ठीक है, चेक करो। तो इसमें यह मेथड ज्यादा आसान था, है ना, ये मेथड ज्यादा आसान था, तो वो समझ गए। तो इसमें जो है अभी मैं इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं दे रहा, अभी तुम प्रैक्टिस उसी टॉपिक पे करो, अभी प्रैक्टिस सब लोग डीपीपी की प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्टाइल की डीपीपी करो, है ना। और अभी जो कल जो टेस्ट लूंगा उसमें प्रोजेक्टाइल, उसमें खाली जितनी डीपीपी डिस्कस हुई वहां तक के क्वेश्चन होंगे बस, अभी एनएलएम के क्वेश्चन नहीं, अभी इसको सीखो, सीखने में टाइम लगेगा, अभी अलग अलग सिचुएशन दूंगा, सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो अब चलो ये हो गया, और हाँ अब एक अलग सिचुएशन लेता हूँ मैं, डिफरेंट तरीके की सिचुएशन लेता हूँ, चलो नई सिचुएशन बनाता हूँ तुम्हारे सामने। एक काम करता हूँ, अब थोड़ा सा एक वर्टिकल वॉल तो हमने ले चुकी है, वर्टिकल वॉल लेता हूँ, एक मैंने ली वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल, वॉल सफेद रंग की ले लो, ब्राउन कलर की वॉल लेता हूँ, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसके बाद एक ले लो इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा सा मुश्किल करने जा रहा हूं हल्का सा, मगर कितना भी मुश्किल हो जाए बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, नो चेंज इन बेसिक कंसेप्ट। तो इसको पूरी मेहनत से अपनी पूरा देख के समझ के, सवाल को समझ के, और एक सवाल लगा लिया तो सब आ जाएंगे, एक भी सवाल लगा लिया तो हो गया पूरा। इसमें मैथड आंसर के आंसर के चक्कर मैथड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बीच ब्लॉक तो रख नहीं सकता, तो मैं एक गोला रखूंगा, तो पहली बार तो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं गोले का, गोला, आग का गोला, है ना। तो गोले को, गोले पर रंग भर दिया जाए, ये रंग नहीं चलेगा, पिंक कलर बेस्ट है, और गोले को यहां पर फिट कर देता हूं, है ना। गोला दोनों चीजों के कांटेक्ट में है, अब आएगा मजा, अब तुम मजे लो। ये गोला थोड़ा सा गैप दिखाया, मगर ये सरफेस कांटेक्ट में ऐसे है,
मगर मैं तुम्हें हमेशा समझाने के लिए एक्शन रिएक्शन पेयर दिखाने के लिए गोला दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया गोला, आग का गोला। चलो और दिखा देता हूँ हॉरिजेंटल 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 हॉरिजेंटल। ये रहा अपन का हॉरिजेंटल, अपन का हॉरिजेंटल। थोड़ा तनिक मोटा हो गया, छोटा पतला करना पड़ेगा। ये रहा हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल वॉल तो 90 डिग्री के एंगल पे ही होगी, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं। ये एंगल दिया है 37 डिग्री, 37 तुम्हारा फेवरेट एंगल है, ठीक है। 37 से कैलकुलेशन आसान होती है, वैसे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो तो कैलकुलेशन हमें सीखनी थी, इसलिए 37 अक्सर जो है प्रिय जो फेवरेट एंगल होता है सब लोगों का, इसमें ज्यादा 37। चलो अच्छा, आप क्या है, मास दे दूं तुम्हें, है ना, मास इस बार 5 किलो ले लो, 5 kg ले लो। और क्या दे दूं, जी की वैल्यू 10 ही लेना, तो जी की वैल्यू तो पूछना भी नहीं, 10 m/s² है। जब तक मैं ना खाऊं तब तक 10 m/s², ठीक है। निकालना क्या है इसमें, पहले समझ लो, सवाल को समझ लो, एकदम करने के चक्कर में मत पड़ो। एक्चुअली में वर्टिकल वॉल इसको प्रेस करेगी ऐसे। अच्छा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ये सेंटर से जाएगा, इस गोले का जो सेंटर है ये तुम्हें पता होगा, गोले के सेंटर से जाएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन गोले के सेंटर, क्योंकि कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर सर्किस के सर्कल के परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सेंटर से जाती है हमेशा, ये इसके सेंटर से जाएगी, ये तुम्हें पता होगा बेसिक ज्योमेट्री से। और ये गोला दीवार को ऐसे प्रेस करेगा, दीवार गोले को प्रेस करेगी, गोला दीवार को प्रेस करेगा, ठीक है। ठीक यही चीज यहां पे भी होगी, मगर यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगी। कलर ये ले लेता हूं, एक मिनट, सीधी रेखा खींच दो, बहुत ध्यान से पहले सिचुएशन को समझो, है ना। तुम्हें सिर्फ फ्री बॉडी और ये और ये भी सेंटर की तरफ होगी, ये सेंटर होगा, है ना, ये इसका सेंटर होगा, ये गोले का सेंटर होना चाहिए, ठीक है, गोले का सेंटर, ये दोनों सेंटर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो सेंटर की तरफ जाएगा, कोई भी चीज जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है सेंटर की तरफ जाती है। ऑब्वियसली गोले का वेट तो होगा ही, ये गोला इस सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा और इस मतलब गोला सरफेस को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, गोला सरफेस को नीचे की तरफ, सॉरी, गोला सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा और सरफेस गोले को, सरफेस स्फीयर को ऊपर की तरफ प्रेस करेगी। सपोज करो नॉमिनेशन मैं कर देता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ब्लू वाला N2 है, गोले का मास 5 kg है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो ये सवाल और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो फिलहाल नो फ्रिक्शन, एस फॉर स्मूथ, स्मूथ स्मूथ, तो कोई फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आगे फ्यूचर में फ्रिक्शन भी आ सकता है इसमें, ऐसे सवालों में स्मूथ स्मूथ दोनों स्मूथ है, ठीक है। अब सवाल शुरू होता है, N1 N2 की वैल्यू निकालो, पहला सवाल है N1 निकालो, N1 निकालो, दूसरा सवाल है N2 निकालो, ये दोनों का एक ही सवाल मानो। चलो अब आराम से मस्त करो, फ्री बॉडी बना के मुझे व्हाट्सएप करो, आई थिंक सवाल सबको समझ में आ गया होगा, फ्री बॉडी बना के व्हाट्सएप करो, ये नया सवाल, ठीक है। तो स्फीयर बीच में रखा है, N1 N2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके। तो चाहे तो तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ले सकते हो, ठीक है, और चाहे तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी एक्सिस ले सकते हो, जो मर्जी हो करो, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लेना फिलहाल प्रेफर करता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल तो ये लाइन बनी हुई है, इसको ही एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है ही, तो इसी को थोड़ा एक्सटेंड करके हॉरिजॉन्टल को इधर बना लेता हूँ। चलो तुम लोग शुरू हो जाओ, एफर्ट करोगे तभी आएगा, मेरे से पहले करके दिखाओ, मेरे से पहले करके आंसर दिखाओ, देखो तुम ट्राई करो, यही तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, यही तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। शाबाश, एक का आ गया, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, उत्सव, मजा आ गया,
एंड ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री होगा. अच्छा ये तो देख के बताना पड़ेगा, एन साइन 37, एफ ऐसे. यस यस परफेक्ट. मगर बाद में आंसर क्या आएगा पता नहीं, मगर फ्री बॉडी बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है, ऐसे ही बनाना है. ये ग्रुप में देख लो, बहुत परफेक्ट है, मजा आ गई. ये पहली बार मेरा दिल खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, इट्स परफेक्ट. एंगल वेंगल में चेक करूंगा गलत है सही है, अगर एंगल वेंगल सब सही है तो. बस एक थोड़ी सी कमी है इसमें कि जो एन का रेजोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा क्रॉस लगाना है यहाँ पे, जो लगाते ना वो नहीं लगाया, बाकी तो परफेक्ट है. एन दिखाया, वेट दिखाया, सब दिखाया, वेरी गुड. तो उत्सव इज परफेक्ट. चलो मैं तब तक करता हूँ, तुम लोग दिखाते रहो, मैं तब तक बीच में देखता भी रहूंगा, मैं अपना काम भी करता रहूंगा. और जो आलसी लोग है वो धीरे धीरे मेरा देखें, मैं जानबूझ के धीरे धीरे करता हूँ ताकि सब लोग ट्राई कर लें. तुम अपना ट्राई करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? मैं तो बहुत ही डफर बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जिनको कुछ करना नहीं, आलसी डफर, जिनको खाली बैठ के देखना, उनके लिए कर रहा हूँ. ये फ्री बॉडी बनाना है मुझे, ठीक है? और जो करना है वो जुट जाए. देखो खुद करोगे तभी आएगा, खुद करोगे तो आएगा. मेरे करने पे है, फिजिक्स में जो है 10% मास्टर करता है, 90% बच्चे करते हैं. फिलहाल जो मैं सबसे आसान है वो तो दिखा दूं, है ना, N1 तो दिखा दूं. सबसे आसान ये N1 है, तो मैं N1 को ऐसे दिखा दूंगा, इनकी कोई समस्या नहीं है. जिनके लिए मुझे एंगल नहीं निकालना है, N1 ऐसे हो गया. फिर वही सब बेसिक कंसेप्ट, वही सब है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, कुछ नया नहीं है, है ना. वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 50, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है 50. हर सवाल का मेथड सेम है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं. बॉडी को पॉइंट से दिखाओगे, N1 50 न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन ये हो गया, इतना काम हमने कर लिया. अब समस्या रह गई N2 की, N2 का एंगल देखना है. तो एंगल तो तुम मेन डायग्राम से ही देख सकते हो. तुम ऐसा करो, यहां पे फिर ज्योमेट्री ज्योमेट्री लगानी पड़ती है, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री, उतनी ज्योमेट्री सभी का आनी चाहिए. तो मैं पहले ये लाइन खींच लूंगा, ठीक है? और ये 37, तो ये अल्टरनेट एंगल 37 डिग्री हो जाएगा. तो N2 का, वेरी गुड. एक और आ गया, स्नेहा, राम, रतन, सब लोग जुट गए, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है. एक किसी ने एक्स और वाई एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, अगर सही है. कैसे भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ ले रहे हैं, वेरी गुड. ये इधर राम लखन ने अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, कुछ भी ले लो, अभी तो कुछ भी ले लो एक्सेस, ठीक है? जो सही लगे, आंसर दोनों से सही आएगा, सेम आएगा, सॉरी सेम आएगा. तो अब रह गया ये दिक्कत है, तो यहां पर ये 37 डिग्री होगा. देखो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, डायग्राम सुंदर सा होना चाहिए, सारी मेहनत डायग्राम में करनी है. और ये एंगल 53 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 53 होगा, 53 होगा, मतलब N2 जो है वो हॉरिजॉन्टल से 53 बनाएगा. तो हाँ, जिसने पहले किया था, सबसे पहले भेजा था, वो सही था, है ना? वो चेक करना, सबसे पहले किसने भेजा था, डिलीट क्यों मार दिया, भेज के डिलीट मार देता. सबसे पहले किसने भेजा था, वो सही था शायद. N2 का जो N2 जो है नॉर्मल रिएक्शन, N2 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, 53, तो वर्टिकल से 37 डिग्री होगा. देखो N2 का हॉरिजॉन्टल से अगर 53 होगा, ये मैं N2 दिखाता हूं, ये N2 है, N2 का अगर हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री होगा तो वर्टिकल से 37 डिग्री होगा. तो तुम्हें 37 ज्यादा पसंद है तो 37 ले लो, जो एंगल पसंद है 53 ऑड लगता है तो उसके बगल वाला 37 होगा. तो ये तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? तो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे. मोटा पतला 37 डिग्री, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो अब बस हो गया, N1 हो गया, वेट हो गया, N2 हो गया, सब तो हो गया. अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ भी ना बचा, ठीक है? अब कुछ भी ना बचा. N2 इधर नहीं लगेगा. हाँ, स्नेहा, जो ये स्फीयर है वो इंक्लाइन प्लेन को नीचे प्रेस करेगा, तो इंक्लाइन प्लेन स्फीयर को ऊपर प्रेस करेगा. तो N2 की डायरेक्शन गलत है. सोचो अगर N2 की तुमने डायरेक्शन गलत ले ली, तो फिर N1 N2 दोनों गलत लिया तुमने, स्नेहा, उल्टा लिया है, मतलब वॉल पे लिया है. स्फीयर पे कैसे लगेगा वो सोचो, ठीक है? अगर ये बेसिक में गलती हुई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता.
ठीक है, बाकी हर्ष इज करेक्ट, वेरी गुड, सब लोग ट्राई करो, ऋषभ इज करेक्ट, वेरी गुड, ऋषभ किस कर, हर्ष वेरी गुड, आई थिंक ऋषभ N2, ऋषभ ने भी N2 उल्टा लिया क्या? ऋषभ तुमने भी वही गलती की है, N1 N2 में गलती की है। अगर N1 N2 की डायरेक्शन उल्टी लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और ये तुम्हें फील करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं तुम्हारे पास, ये फील करना पड़ेगा। ये जो ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस को ऊपर प्रेस करेगा, ऊपर प्रेस करेगा, ये फीलिंग से आएगा, ये मैं कितना भी समझाऊं तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये फील करना पड़ेगा। तो जब तक फील नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है, और इसमें गलती हो गई तो कोई कुछ नहीं कर सकता फिर आगे। इसीलिए फिजिक्स आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि फीलिंग तुम्हें अपनी लेनी है। खैर इसको रिजॉल्व कर लो, बाकी काम मुश्किल है नहीं, रिजॉल्व तो बचपन से करते आए हो। तो ये आ जाएगा एन टू कॉस 37, एन टू कॉस 37, ठीक है, और इधर हो जाएगा एन टू साइन 37, एन टू कॉस 37, एन टू साइन 37, एन टू कॉस 37, एन टू साइन 37। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गए। अब बाकी कुछ नहीं रह जाता, इसके बाद कुछ नहीं रहता, इसके बाद क्या करो, सिग्मा एफ बाई जीरो, इसके बाद तो खेल खत्म। तो सिग्मा एफ बाई जीरो करता हूं, है ना, हाँ एन टू एन वन सही लिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो सिग्मा एफ बाई जीरो, तो लेट्स डू दिस, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, लिखना हो लिख दो वरना कोई जरूरत नहीं है। तो एन टू कॉस 37 इज इक्वल टू 50, N2 cos 37, N2 cos 37, cos 37 की वैल्यू पता ही होती है तो क्यों बार बार मैं जगह बर्बाद करूं। cos 37 4 by 5 और वेट कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन, ठीक है, तो N2 की वैल्यू जो भी आएगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट, N2 की जो भी वैल्यू आएगी। नाउ फिर करो सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, तो N1 की वैल्यू निकल आएगी, है ना, तो N1 is equal to क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो, N1 is equal to N2 sin 37, N2 की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, N2 की जो भी वैल्यू आएगी यहां पे पुट कर दोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हो गया, तो तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले लिए, ओके, तो अभी तक सिंगल बॉडी, फ्री बॉडी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो ओके, हमने स्ट्रिंग भी लगा ली, इस तरह से लगा लिया एंड में, ओके, इसको इसमें तुम x एक्सिस, अब इसमें x एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, y एक्सिस इसके परपेंडिकुलर करके मुझे भेजो, है ना। अब मैं इसको दो दो मेथड से नहीं कर रहा, ठीक, एक मेथड तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए, एक मेथड तुम्हारे प्रैक्टिस करने के लिए हो जाए। तो एक आज छोटा सा, मतलब वैसे एक लेक्चर क्विज कर लेता हूं इसके बाद, छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम पे क्विज है ना, छोटा सा क्विज मैं फ्री बॉडी डायग्राम पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मूड। फिर इसके बाद जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट ये आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट आ गया, एक छोटा सा क्विज हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे, एक मिनट, बाकी क्विज, छोटा सा क्विज फ्री बॉडी डायग्राम पे, फिर आगे चलेंगे। अब एक्सेलरेटेड मोशन के, इक्विलिब्रियम के काफी क्वेश्चन ले लिए, अब मोमेंटम और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, मगर बेसिक कंसेप्ट फिर से वही रहेंगे, है ना, बेसिक कंसेप्ट सही रहेंगे। तो एक क्विज हो जाए, क्विज में बहुत मजा आती है ना, तो जस्ट गो फॉर अ क्विज, छोटी सी क्विज, है ना। दूसरे मेथड से कमेंट करना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और उसके परपेंडिकुलर लेके, तो बचे हुए टाइम में हम क्विज करेंगे, और इसके बाद फिर मैं एक्सेलरेटेड मोशन के सवाल शुरू करूंगा, एक्सेलरेटेड मोशन के। तो कल न्यूटन सेकंड लॉ, बहुत हो गया न्यूटन फर्स्ट और थर्ड लॉ को यूज करते हुए, अब आखिरी लॉ बताऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ, और फिर यही सब लगा, सब मिला के फिर सवाल सवाल ही सवाल होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। एक छोटी सी प्रैक्टिस दो चार क्वेश्चन की फ्री बॉडी डायग्राम पे, वेट फॉर सेकेंड।
छोटी सी प्यारी सी क्विज, जल्दी से कमेंट कमेंट। अभी हालांकि मोशन नहीं लिया है, फ्री बॉडी डायग्राम वेलोसिटी वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही रहेगा। एक्चुअली में याद रखो, कोई चीज अगर मोशन में भी होगी तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम जैसा इक्विलिब्रियम का होता है वैसे ही फोर्स का होता है। अब ब्लॉक ऑफ चीज, यहां पे चीज है, चीज तुम लोगों को पसंद होती होगी, इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्लाइड टू द राइट, स्लाइड टू द राइट ऑन अ रफ सर्फेस, रफ सर्फेस है ना। व्हाट इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक ऑफ चीज, इसमें करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा होगा? ए सही होगा, एफ एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ना। इसमें करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा होगा? ए सही होगा, एफ एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, एफ एफ का मतलब फ्रिक्शन, एफ टी का मतलब टेंशन, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे भी लिखते हैं। दूसरा सोच के बताना, सोच समझ के आंसर दो। सर बाद में एन वन एन टू क्यों ऐड करेंगे भैया? पल्लवी शर्मा क्यों ऐड करेंगे? ऐड करने का क्या है, क्यों ऐड करेंगे? उसने नेट एन थोड़ी ना पूछा है, और एन वन एन टू अलग ऐड हो गए ही नहीं, ऐड होंगे ही नहीं एन वन एन टू, एक पॉइंट पे थोड़ी ना एक्ट कर रहे हैं। जो चीज एक पॉइंट पे एक्ट नहीं करती वो ऐड नहीं होती है। फटाफट कमेंट करो, मुझे भी गुरु का कमेंट आया, ठीक है। पल्लवी शर्मा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि N1 N2 अलग अलग वर्क कर रहे हैं, एक पॉइंट पे है ही नहीं। सब लोग कमेंट करो, सभी लोग बी कमेंट कर रहे हैं, फटाफट कौन सा सही है, सोच समझ के कमेंट करो। डायग्राम देखो, डायग्राम देख के सोच समझ के कमेंट करो। तो सबने कहा बी, हमने भी कहा बी, तो वेरी गुड, आई होप इट शुड बी करेक्ट। एक सेकंड, क्या हो गया भैया, चेक नहीं करवाओगे क्या? यस, करेक्ट आंसर चूज किया तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं यहां पे, आगे वेलोसिटी के भी सवाल आएंगे, मगर वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी हो तो इक्विलिब्रियम ही होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो तब भी इक्विलिब्रियम होगा। तो अभी मोशन वाले आएंगे, मगर मोशन में भी, इसीलिए मैंने इसको लिया है कि मोशन भी हो तब भी फ्री बॉडी डायग्राम तो वैसे ही रहेगा। तो आगे हम मोशन भी करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम तो वो तो वैसे ही रहेगा। तो ये क्या है, अ कप इज स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन सरफेस दैट इज नॉट स्मूथ, स्मूथ नहीं है मतलब रफ है। तो ऐसे कप नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, इसका एफबीडी कैसे होगा? फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, स्मूथ नहीं है, रफ है, एन एफ जी। कमेंट इट फास्ट, सी डी, डी C, B, A। एक चीज तुम्हें बता दूं, कोई चीज अगर चलती है, ये हालांकि फ्रिक्शन में थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो एक चीज अभी नहीं आई है फिर भी उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चीज चलती है तो उस पर वेलोसिटी, फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी मोशन के पीछे लगता है, तो ये तो अंडरस्टूड है। अगर कोई चीज मूव करती है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, तो इस बात से मतलब नहीं है कि कैसा क्या है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो पीछे की तरफ लगेगा। तो ये एडिशनल हेल्प, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की। अब बताओ ए बी, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है ना, ये क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू, ए बी सी या डी, अरे एक्सप्लेन कौन सा, ये वाला क्या एक्सप्लेन करूं। हा अभी मैंने ये चीज बताई है कि कोई चीज अगर नीचे खिसकती है तो फ्रिक्शन उस पर ऊपर की तरफ लगेगा, बस
है ना, और इसका रिएक्शन ब्लॉक पे नीचे की तरफ, फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। ये टॉपिक अभी थोड़ी देर में आगे आने वाला है, थोड़ी देर में आगे आएगा, हम बार बार इसी चीज को 50 बार करेंगे अभी, है ना। तो इस पे फ्रिक्शन, कप पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। चलो फिर से देखो, आंसर कमेंट करो, ए बी सी या डी। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। जल्दी से आंसर कमेंट करो। सेकंड, अच्छा हो चुका है सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन है, मैं समझा थर्ड है, ओके सॉरी। फटाफट सारे लोग कमेंट कर दो, ये टेस्ट चल रहा कल ऐसी। अच्छा मैंने क्या सोचा, ऐसे ही टेस्ट दूंगा, सबसे बढ़िया है ना, इससे तुम अपने अपने आप को खुद ही चेक करते जाओ, ये सबसे बढ़िया टेस्ट है, ठीक है, सबसे बढ़िया टेस्ट। सेकंड का बी, सब लोग कमेंट करो, अब इसमें कोऑपरेट करो, सब लोग कमेंट करो, यस सेकंड का बी, सेकंड का बी, कंप्यूटर जी बताओ सेकंड का ये सही है गलत है। कंप्यूटर जी सही है, वेरी गुड, सभी ने सही कमेंट किया, सब बच्चे परफेक्ट है। चार, एक दो और क्वेश्चन फटाफट, टू मोर। चीज, चीज जिसको पसंद है उसके लिए बहुत प्यारा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ चीज बी हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय रोप, अ व्हील ऑफ चीज डब्लू, है ना, हैंग फ्रॉम द ब्लॉक, फ्रॉम ब्लॉक ऑफ चीज बाय रोप टू, ठीक है, दो रोप है तो ऐसे दो है। व्हाट इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसा भी सवाल मैंने कराया है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा करेक्ट होगा। ए फॉर वेट, इसके लिए बताना है, बी के लिए नहीं बताना है, डब्ल्यू के लिए बताना है। व्हाट इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर व्हील ऑफ चीज, डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए, इसके लिए मत बताना। ए डब्ल्यू के लिए, सिर्फ डब्ल्यू के लिए। इसमें टेंशन, इस वाली में टेंशन टी वन है, ये वन वाली में टेंशन टी वन है, लिखा हुआ है एफ टी टू एफ टी वन, मैं लिख देता हूं एक बार फिर भी, इस वाली, इस टेंशन को उसने एफ टी टू बोला है, एफ टी टू फोर्स टी टू, है ना। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा है क्योंकि एफ करके दिखाया, सब फोर्स पता लगता है, और ये एफ टी वन है। वैसे ऐसे ही लिखना चाहिए, मगर ऐसे बार बार लिखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, इसलिए टेंशन को टी वन से ही दिखा देते हैं। तो एफ टी टू दूसरी स्ट्रिंग में टेंशन है, ए सही है, यहां पे एफ जी बी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी ये वाला है ब्लॉक, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डब्ल्यू, एफ टी टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डब्ल्यू, ओनली डब्ल्यू, डब्ल्यू व्हील है, यहां पर क्या है एफ एन, वॉट इज एफ एन, एन तो पता नहीं क्या है, एन तो पता ही नहीं, टेंशन हो गया, एफ एन जैसी नॉर्मल रिएक्शन तो लगी नहीं रहा पे, ए बी सी डी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन तो है ही नहीं यहां पे। थर्ड का बताओ, हाँ थर्ड भी सही है, सब लोग बताए, सब लोग अपने हिसाब से कमेंट करना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके थर्ड का बी, थर्ड का बी, परफेक्ट। एंड द लास्ट वन, ये द कैरेट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग बाय टू रोप्स, कैरेट पता है सबको क्या होता है, गाजर, कैरेट एक वन है एक टू है, तो कैरेट ऐसे हैंग कर रखा है। व्हाट इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द कैरेट, एफ पहली वाले में टेंशन टी वन है, पहली वाली में टेंशन टी वन है, एफ टी वन, इसको टी वन बोला है, और इसको एफ टी टू, तो एफ टी वन एफ टी टू, ठीक है, ये फ्रिक्शन बता रहा है कि फ्रिक्शन है कि नहीं है इसमें, एफ जी, ए एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं है, वो तो है ही नहीं, बी किसका फ्री बॉडी है, करेक्ट फ्री बॉडी ऑफ कैरेट का, सी या डी, डी या सी या बी या ए, कौन सा एक्सप्लेन करूं, ये वाला कैरेट वाला लास्ट वाला, इसमें ये कैरेट है ना, कैरेट इसमें ये कैरेट है,
कैरेट है, नील पटेल क्या एक्सप्लेन करो, ये कैरेट है, कैरेट दो रस्सियों से खींच रहा है इसको, पहली रस्सी और दूसरी रस्सी, तो कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम सही होगा? फोर्थ का बी, बी में नॉर्मल रिएक्शन वो कहां से लग रहा है, एन कहां से लाओगे नील, एन कहां से लाओगे, एन तो हाई नहीं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो हाई नहीं यहां पे, एफ एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन तो कोई सरफेस कॉन्टेक्ट में होती तब होता है ना, मैं ज्यादातर सही लोगों के साथ जाऊंगा, फोर्थ का डी चेक कर लो फिर एक्सप्लेन करता हूं, यस इट इज परफेक्ट। आई थिंक नील को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस, कोई सरफेस यहां पे कॉन्टेक्ट में नहीं है, बंधा हुआ है, ऐसे तुम्हें लग रहा है कि ये यहां पे सरफेस कॉन्टेक्ट में है, ये इसको बांध रखा है, गाजर को बांध रखा है ऐसे, कहां गया गाजर की रस्सी, ये इधर बांध रही है और इधर बांध रही है, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सर्फेस तो आई नहीं कहां पे, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में बोली थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन वो फ्रिक्शन था, उसमें क्या था, ए इज नॉट द आंसर, कल पूछ लेना इसको, डाउट सेशन में पूछ लेना, रिकॉर्ड हो गया ना, मैं डाउनलोड करके वहां पे फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कल पूछ लेना, अभी पीछे नहीं, पीछे जाएंगे पीछे नहीं जा सकते इसमें, इस क्विज में पीछे नहीं जा सकते, तो कल बता दूंगा, या तब तक तुम्हें समझ में आता, तुम खुद भी सोचो ना, अपना दिमाग भी लगाओ, वाई ए इज नॉट द आंसर, ए अब देखना पड़ेगा, ठीक है, कोई कमेंट कर दे भाई ए आंसर क्यों नहीं है, है ना, कोई दूसरा कमेंट कर दे इसका, अभी जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे सवालों, सारे सवालों का जवाब दूं, बाकी बच्चे भी सवालों के जवाब दे सकते हैं, एक दूसरे के डाउट क्लियर करो, ठीक है, तो इसके सवाल के जवाब दो कि ए आंसर क्यों नहीं है, अगर तुमने देखा है, नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, पीछे नहीं जा सकता मैं, ठीक है, ए मैंने देखा ही नहीं, ओके, तो चलो अब आज इतना ही है ना, आज इतना ही, बाय, आज इतना ही, तो नील एक काम करो, पीछे वापस जाना और कल के डाउट से, सुबह डाउट सेशन में पूछ लेना अगर समझ ना आए तो, है ना, और बाकी किसी को याद हो तो कमेंट कर दो कि ए क्यों नहीं आंसर है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो तो रिकॉर्ड हो गया इसलिए बाद में दोबारा देख सकता हूँ मैं, तो कल, अगर कल तक समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, चलो। सर ऋषभ और नील थर्ड में ए आंसर क्यों है ये पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन कहाँ है, इंटरफोन नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ब्लॉक, क्वेश्चन ही नहीं, चलो एंड करता हूँ, कल बता दूंगा इसको, है कल बता दूंगा, ये तो ये करना पड़ेगा क्योंकि पीछे नहीं जा सकते इसमें, है ना, इसे पीछे आने का कोई तरीका नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं बस, अभी आगे पीछे जाने का